नाजरीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौजूआत पर। श्रीनगर में कौमी रग्बी चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स। कस्बा कुपवाड़ा को दिया जा रहा है खूबसूरती का तोहफा। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में PMGSY राबता सड़कों की तामीर। प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की जानिब से पुंछ में खसूसी कैंप मुनक्किद। इफको टोक्यो ने इंश्योरेंस बेदारी प्रोग्राम का किया एहतमाम। रवां बरस मुंबई में रग्बी कौमी चैंपियनशिप मुनक्किद हो रही है। इस रग्बी कौमी चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए जम्मू और कश्मीर बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। इस सिलसिले में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर रग्बी एसोसिएशन ने जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के तआवुन से सिलेक्शन ट्रायल्स कैंप मुनक्किद किया। वादी कश्मीर के 9 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों, जिनमें खवातीन खिलाड़ी भी शामिल हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। सनसनी खैज रग्बी कौमी चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दारुल हुकूमत श्रीनगर में जोरों पर हैं। नौजवान खिलाड़ी लड़के और लड़कियां जम्मू कश्मीर भर से ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद मुंतखब टीम में जगह बनाना है। रूटीन वर्क है और 2024 का कैलेंडर आ चुका है और लकीली इस बार टूर्नामेंट्स थोड़े अर्ली आ गए, सो जून, मिड जून से हमारे 19th of June हमारी पहली बैच जाएगी। ये अलग अलग चार बैच है जिसमें जूनियर लड़कियां, जूनियर लड़के, सीनियर लड़कियां और सीनियर लड़के हैं। 19 तारीख को पहला टीम जाएगा, फिर अगले हफ्ते दूसरी टीम जाएगी, फिर तीसरे हफ्ते तीसरी, और लास्ट टीम जो हमारी है वो कोई 3 जुलाई को जाएगी। मतलब 19 जून से 3 जुलाई के बीच में ये चार टीमें जाएगी। तो कॉस्ट कटिंग और बाकी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हम इनका कैंप जो है वो एक साथ करें, क्योंकि उससे बच्चों में आपस में कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है और बच्चे जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है। तो इसलिए हमने इस बार चारों कैंप एक साथ करने का निर्णय किया है। इन ट्रायल्स का इनाकाद जम्मू कश्मीर रग्बी एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से किया है, जिसका मकसद खिलाड़ियों को तैयार करना और आने वाली कौमी चैंपियनशिप के लिए उनकी जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाना है। बेसिकली ये नेशनल लेवल के लिए ट्रायल्स हो रही है, तरह तरह के डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स आए हैं, सबकी यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, क्योंकि आने वाले मंथ्स में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस करके हम अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया लेवल पे। तो उस चीज़ के लिए ट्रायल्स हो रही हैं यहाँ पे पोलो ग्राउंड में। जी सर, फिजिकल एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में आप देखेंगे कि यूथ बहुत पीछे जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए कि ज़रूरी है कि हम फिजिकली भी और मेंटली भी प्रिपेयर रहे। तो जितना हम स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा और तरह तरह के नए नए प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा आगे जम्मू कश्मीर एक हाई लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए। मुंतजमीन ने कहा कि मजकूरा कौमी रग्बी चैंपियनशिप में शिरकत के लिए चार जुमरों में टीमों में खिलाड़ी यहां से जाएंगे, जिसमें सीनियर और जूनियर लड़के और लड़कियां हैं। इन ट्रायल्स में 9 अजला से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ट्रायल्स वगैरह होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को पता चलती है, बहुत सारे प्लेयर्स को पता चलती है कुछ ऐसी भी चीज़ है, रग्बी भी कोई स्पोर्ट है जहाँ पे जाना चाहिए। इवन दो रग्बी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है अच्छे खासे इस नंबर पे ग्रो हो रहा है, बट इन सब ट्रायल्स या ऐसी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये सारी जो चीज़ें वो प्रमोट हो रही है। जैसे रग्बी के ट्रायल्स हो रहे तो यहाँ बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑल ओवर J&K से, जम्मू से है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत एनर्जी के साथ आए हैं, सो दैट दे कैन गिव देयर बेस्ट एंड हम भी अपना बेस्ट देंगे, लेट्स सी क्या होता है। चैंपियनशिप मुंबई में जुलाई के महीने में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत मुनक्किद होगी। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मरकजी कस्बा में बड़े पैमाने पर तजाइन और आराइश का तामीरी काम हाथ में लिया गया है।
कस्बा कुपवारा की खूबसूरती दोबारा करने के मकसद के तहत हालिया ज़िला इंतजामिया की एक आला सतही मीटिंग में जायजा लिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत कस्बे में फुटपाथों की बहाली, स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब और वेंडर जोन की तश्कील शामिल है। मकामी लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर किन तासुरात का इजहार किया, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के मरकजी कस्बा के तज़य्युन आराइश का काम शुरू किया है। करोड़ों रुपए की लागत से कस्बा कुपवारा की खूबसूरती को दुबाला किया जा रहा है ताकि लोगों की मैयार जिंदगी में बेहतरी आ सके। आम लोगों का कहना है कि कस्बे में तामीरी काम अंजाम देने से कुपवारा का नक्शा ही बदल रहा है। कुपवारा में अच्छी 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 जगह है, लाइक केरन वैली है या बंगस है या लोला वैली है, काफ़ी अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो जब आपका कुपवारा टाउन ब्यूटीफाई हो तभी टूरिस्ट यहाँ पे रुक करेंगे। तो अगर हम लास्ट फाइव ईयर्स की बात करें, कुपवारा एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज म्यूनसिपल कमेटी कुपवारा, इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो मैं एज ए रेजिडेंट काफ़ी खुश हूँ कुपवारा एडमिनिस्ट्रेशन से। कुपवारा के मरकजी कस्बे में बड़े पैमाने पर तज़य्युन आराइश का मंसूबा हाथ में लिया गया है। इस मंसूबे के तहत कस्बे में फुटपाथों यानी पैदल राहदारियों को जदीद तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। फुटपाथों पर टाइल बिछाए जा रहे हैं, जबकि इसके अलावा दीगर तामीरी काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। कुपवारा के शहरियों का कहना है कि इंतजामिया का इकदाम काबिले सराहना है। पिछले 5 सालों से एमसीसी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो काम हो रहे हैं, तो जो टूरिस्ट क्या है उनकी भी ये निगाह रही है कि हम पहले जाएंगे कुपवारा। वो जो बॉर्डर बाकी जो गुलमर्ग इलाका था वो अभी जो प्रेफर कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को प्रेफर कर रहे हैं। वो इसी वजह से है कि जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ कुपवारा हुआ है अभी तक या आज हो रहा है, हर जगह डेवलपमेंट जो वर्क है उसका काम चालू है। अभी आप खुद भी देख सकते हैं, अगर पहले हम कुपवारा मार्केट में आते थे हमें पता नहीं चलता था ये रात है या दिन है। आज अगर आप रात के 12 बजे भी आते हो तो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई टाउन है, ये कुपवारा है। अभी अगर सुर्खियों में भी आप देखते हो कि वो जैसे सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह, वहाँ पे आज कुपवारा नंबर 1 पे आता है। ये इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनने अच्छा खासा काम किया और हमारी ये भी उम्मीद है कि आगे इससे जो फ्यूचर हमारा होगा वो इससे ज्यादा बेहतर होगा। हुकाम ने बताया कि कस्बा कुपवारा में मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से ये तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कस्बा कुपवारा को खूबसूरत और जाज़िबे नज़र बनाने के लिए ये जामे मंसूबा तरतीब दिया गया है, जिसका वाहिद मकसद लोगों को बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। जो भी एजेंसीज हैं, RNB, म्यूनिसिपलिटी, CPO साहब, एडिशनल DC या बाकी, तो सब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक अच्छा सा बाग बनाए कुपवारा टाउन को, और जहाँ लोग फील करें कि यहाँ हर कोई फैसिलिटी है, चाहे वो बाथरूम है, चाहे टॉयलेट है, चाहे डस्टबिन है, चाहे टाइल वर्क है, बाथरूम है, तो हर लिहाज से हम इसको अच्छा देखना चाहते हैं, सो दैट पीपल कैन एंजॉय देयर लाइफ आफ्टर डे टू डे हेक्टिक वर्क। कोई दुकानदार है, कोई ऑफिसर है, कोई मुलाजिम है, कोई स्कूल का बच्चा है, तो फैमिली के साथ लोग आए और एंजॉय करें, तो और हमें निशानदेही करें कि कहाँ उनको हमारी ज़रूरत है और हम स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। एंड वी वांट टू गिव ए क्वालिटी लाइफ टू द पीपल इन द मॉर्निंग्स एंड द इवनिंग्स, एंड दे कैन एंजॉय अराउंड द डे आल्सो, अराउंड द क्लॉक आल्सो। इस तरक्याती मंसूबे का मकसद मकामी लोगों और सयाहों दोनों को सहूलियत फराहम करना है। इस मंसूबे में फुटपाथों की बहाली, स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब और वेंडर जोन्स की तश्कील शामिल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में मेरा कस्बा मेरी शान का एक जामिया प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिसके तहत वादी भर के कस्बा जात में लोगों की मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तामीरी काम हाथ में लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में वजीर आजम ग्राम सड़क योजना की मुकम्मल अमल आवरी से उन इलाकों में भी राबता सड़क बहाल हो रही है जहां आज़ादी के बाद से अब तक लोगों को इस तरह की सहूलियत के लिए तरसना पड़ता था।
पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों में PMGSY के तहत नई नई सड़कें तामीर की जा रही हैं, जिसके फवायद यहां रिहायश पजीर लोगों को घर की दहलीज तक पहुंच रहे हैं। देखिए इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों में सड़क राबते को फरोग देते हुए राजौरी जिला के पहाड़ी इलाकों में पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की तामीर शुरू की है। PMGSY मरहला सोम के तहत ये तामीरी काम उन पहाड़ी इलाकों में अंजाम दिया जा रहा है जहां पहले राबता सड़क मौजूद नहीं थी। हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुस्तफीद हो रही है। ये PMGSY फेज थर्ड का काम है, तो इस जगह का नाम है लंगर टॉप। तो ये अभी जनवरी की अलॉटमेंट थी और अभी ये पाँचवें महीने में हम कंप्लीशन दे रहे हैं, तो अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। यहाँ पे अनकनेक्टेड लोग थे 70 साल से, तो लोग तो बहुत खुश हैं कि कनेक्टिविटी मिली है और रोड की क्वालिटी अच्छी है, काम अच्छा हुआ है। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में सड़कों की तामीर से आम लोगों को जिंदगी के रोजमर्रा के मामलात निपटाने में आसानी हो रही है। मकामी लोगों ने बताया कि उनका ताल्लुक सरहदी देहात से है। पहले राबता सड़क न होने के सबब बच्चे तालीम से महरूम रहते थे, मरीज अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते थे, जबकि 10 से 15 किलोमीटर पैदल मसाफत तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब जिंदगी खुशहाल बन रही है। सब जो रोड बना है, इससे पहले सर हमारे को बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, जो डिलीवरी लेडीज थी बड़ा ही उनको मुश्किल होना था, चारपाई पर उठा के ले जाते थे, वो काफ़ी सा समस्या थी। कोई बीमार हो जाता था, आदि लोगों को तो डर थी, इधर हो जाती थी, उधर तक डॉक्टर तक हम पहुंच नहीं पाते थे। हम इस सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी सुध बदली और PMGSY में जो रोड गई है, और जो हमारे ठेकेदार हैं बहुत ही अच्छे हैं और काबिले तारीफ हैं उनकी, और पूरे गांव वाले इस रोड से बहुत ही खुश हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लंगर टॉप राजौरी में भी एक मंसूबे को अमलाया जा रहा है। यहाँ योजना के मरहला सोम के तहत सड़क की तामीर की जा रही है। हुक्काम ने बताया कि इस इलाके के लोग बशमूल तलबा को अपनी मुख्तलिफ जरूरियात के लिए अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुँचने के लिए पैदल सफर करना पड़ता था। इस सड़क की तामीर के बाद उनका सफर आसान हो जाएगा। इस गांव में कम से कम 2-3 गांव हैं, सबसे पहले लंगर गांव, गनिया, ग्रावड़ी, चौकी आगे तक वो को 3-4 हज़ार लोग हैं जहां तक टच करते हैं, और बच्चे बहुत अभी खुश हैं इस रोड में चलने में, क्योंकि पहले स्कूल जा ही नहीं सकते थे, बारिश के कारण 3-3, 4-4 दिन स्कूल ही नहीं जाते थे, क्योंकि बारिश के कारण इतनी दलदल होती थी, स्कूल कैसे जाएंगे वो। तो इसके कारण अभी बच्चे भी खुश हैं, देखे आप पहले गए हैं कितने बच्चे और भी आ रहे हैं पीछे, गर्मी है धीरे धीरे आते हैं और हम बहुत खुश हैं इस टाइम। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में PMGSY के तहत सड़कों की तामीर से दूरदराज पहाड़ी और सरहदी इलाके अब तहसील और जिले हेडक्वार्टर और करीबी इलाके के कॉलेजों और स्कूलों तक रसाई हासिल कर रहे हैं। प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की जानिब से पुंछ में एक खसूसी कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में मुस्तहिक अफराद को मुख्तलिफ नौवियत की सहूलियत फराहम की गई, जहां माजूर अफराद में खसूसी आलात और ज़रूरतमंदों में ज़रूरी चीज़ें तकसीम की गई। वहीं तालिबात को भी स्कॉलरशिप से नवाजा गया और कई मरीजों को आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए राजौरी भेज दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की जानिब से अपनी अवामी खिदमात के तसलसल को जारी रखते हुए अपने सदर दफ्तर पुंछ में एक मेगा कैंप मुनाकिद करके पुंछ और राजौरी अजला से ताल्लुक रखने वाले स्पेशल अफराद को मुख्तलिफ नौइयत की सहूलियत फराहम की गई। कैंप में शामिल शुरका ने बताया कि उन्हें इस तरह के कैंप से काफी फायदा पहुंचता है, क्योंकि गुर्बत की वजह से वो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ पे फादर है मेरा एक आया उसके साथ भी हैं और मामू उसके साथ भी आए हैं,
और वह दोनों हैंडीकैप हैं, यानी उनके मेन की तरफ से दोनों की टांगें कट गई हैं। उनके लिए यहाँ पे उन्होंने चलने के लिए उनके खुंडी वगैरह फराहम की उनको, और बहुत यहाँ कुछ ऐसे भी आए थे जिनके आँखों की बहुत रोशनी कम थी, उनके रोशनी के लिए उनको रजौरी यहाँ से फराहम किया गया, भेजा गया वहाँ ऑपरेशन के लिए, कल उनका ऑपरेशन होगा रजौरी में। और कुछ लोग जो थे बहरे सुन नहीं सकते थे कानों की वजह से, उनको मशीनें भी दी गई, वो कपड़े सिलाई के लिए भी मशीनें दी गई औरतों को कुछ, और कुछ छोटे बच्चे जो माली एतबार से और जिस्मानी एतबार से भी बहुत गरीब थे, और उनको यहाँ से स्कॉलरशिप भी दी गई। मुनाकिदा कैंप के दौरान कई माजूर अफराद में मस्नूई आजा तकसीम किए गए, जबकि मरीजों के एक ग्रुप को आंखों का ऑपरेशन करने के लिए राजौरी रवाना किया गया। प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने भी शिरकत की। उन्होंने मुस्तफीद अफराद में जरूरी आला तकसीम किए। मुनाकिदा कैंप के दौरान मुतादिद तालिबात को स्कॉलरशिप भी फराहम की गई। आज हमें यहाँ से स्कॉलरशिप मिला है, और मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी पापा नहीं है, तो प्रीतम ट्रस्ट की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिला है, इनका बहुत ही बहुत शुक्रिया। ये आपको पढ़ाई में काफ़ी काम आएगा? जी हाँ, मेरी एजुकेशन में बहुत काम आएगा, और थैंक यू सो मच। ये जो ऑपरेशन हो रहा है आँखों का, मेरी आँख भी कमज़ोर है, तो ये सरदार जगवीर सिंह जिस दिन का आया है पूंछ में, इसका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं डी सी साहब का भी, क्योंकि किसी गरीब की भी ये मदद करता है सरदार जगबीर सिंह, तो हमें भी फायदा हो जाता है क्योंकि खर्चे से बच जाते हैं। फाउंडेशन के चेयरमैन और बानी प्रोफेसर जगबीर सिंह ने BMVSS राजौरी और जिला इंतजामिया पूंछ के इश्तराक से मुफ्त मस्नूई आजा की तकसीम का कैंप मुनाकिद करके माजूरों की मदद की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताकि जिस मकसद के लिए ट्रस्ट कायम किया गया है वो मकसद पूरा हो सके। आज हमारा ये कैटरेक्ट सर्जरी का जो हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ करवाई डीसी साहब से, ये कल तकरीबन 11 बजे रजौरी में इन्होंने पहुंचना है 150 GH पे, जहाँ पे इनकी कल एक टेबल है, जो पहले 8 लोग हैं टोटल, कुल हैं 17 में से 16 का IOL है इंट्राकुल लेंस का, एक का ओपन सर्जरी है, तो ये कुल मिला के 6 महीनों की कोशिश के बाद 32 लोगों को लेके हम 17 तक पहुँचे, जो फाइनली इस चीज़ का बेनिफिट लेंगे। इस मौके पर कैंप से फायदा उठाने वाले माजूरों ने ट्रस्ट और इसकी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। दर्जनों अफराद कैंप से मुस्तफीद हुए। पुलवामा में सनअतकारों के लिए एक इंश्योरेंस बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद एको टोक्यो GIC लिमिटेड की जानब से किया गया। इस प्रोग्राम में इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपोरा के 100 से ज़ायद कारोबारी यूनिट होल्डर्स ने शिरकत की। किस तरह की जानकारी सनअतकारों को इस बेदारी प्रोग्राम के दौरान दी गई, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इफको टोक्यो GCI लिमिटेड की जानिब से सन्नती मरकज लासीपोरा पुलवामा में सन्नतकारों की सहूलियत के लिए एक इंश्योरेंस बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम को मुनाकिद करने में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपोरा पुलवामा ने अपना तआवुन दिया। सन्नतकारों ने कहा कि ये बेदारी प्रोग्राम काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उन्हें सन्नती यूनिट की इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने में काफी मुश्किलातों मसाइल का सामना रहता है। इस प्रोग्राम का एक मकसद है कि जो जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज है लसीपोरा में, और जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स है, और उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, उसको कैसे सेफ गार्ड करें और उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, ताकि अगर कुछ अनटवर्ड इंसिडेंट होता है तो उस टाइम पे वो कैसे अपने क्लेम्स को ऑप्ट करें। और इस प्रोग्राम का एक और मकसद है कि जब हम कोई भी एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस रखने हैं और हमें कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज करनी है, ताकि जितना भी हमारा प्रॉपर्टी है वो सेफ रहे। इस बेदारी प्रोग्राम में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपोरा पुलवामा के सदर मुख्तार अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी सरवर मलिक समेत इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपोरा के 100 से ज़ायद कारोबारी यूनिट होल्डर्स ने शिरकत की।
इस मौके पर मुख्तार अहमद खान ने कहा कि लासीपोरा पुलवामा के सन्नती मरकज में बेशतर यूनिट होल्डर्स इंश्योरेंस की समझ नहीं रखते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने की जरूरत को महसूस किया गया। देखिए, ये प्रोग्राम इसलिए इनकार हुआ क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री ओनर्स है या यहाँ के जो मैनेजर्स है फैक्ट्री में, उनको अवेयरनेस पूरी तरह नहीं थी कि इंश्योरेंस में क्या होता है, किस तरह पॉलिसी होती है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होते हैं, किस टाइम क्या करना होता है, ये पता ही नहीं था। और यहाँ पर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, तो हम मोनोपोली ना यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। हम बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पर लाना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट होल्डर्स है वो अवेयर हो जाए। बिजनेस हेड फहीम फयाज जरगर ने इस्तेक़बालिया कलिमात से प्रोग्राम का आगाज किया और इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपोरा के तमाम मेम्बरान की फाल शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि यूनिट होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी तो करता है, लेकिन इसकी अहमियत और इफादियत कितनी है वो इससे लाइल्म है, इसलिए इस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और मुस्तकबिल में ये अमल जारी रहेगा। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्कीम्स इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, जैसे अपना हेल्थ का भी चलता है, आयुष्मान भारत है, या क्रॉप के लिए इंश्योरेंस है, फसल बीमा योजना, तो गवर्नमेंट इज़ आल्सो टेकिंग इनिशिएटिव्स टू कवर देयर पीपल, टू कवर द पीपल थ्रू दीज स्कीम्स। तो अब हमारा भी एक फ़र्ज बनता है इन स्कीम्स को समझा जाए, इन स्कीम्स के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली हम करें, अदरवाइज क्लेम्स के टाइम कोई ये परेशानी नहीं होती है। जब हमने इंश्योरेंस को एक ठीक से लिया है या डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट टाइमली किए, तो इंश्योरेंस क्लेम्स भी डेफिनेटली सीमलेसली सेटलमेंट हो जाएगी। इस बेदारी प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इंश्योरेंस की खौंदगी को बढ़ाना और सन्नती बिरादरी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करना था। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।